हाँ जी दोस्तों, वेलकम इन न्यू लेसन। पिछले लेसन में आप लोगों ने लीड जनरेशन के टाइप देखे थे। अब हम आज इस लेसन में जो हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स की लीड जनरेशन होती है इन फेसबुक ऐड जो हम लोग बनाना आपको सिखाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसके अंदर है कि हमें सिलेक्शन करनी आनी चाहिए। ये देखिए, इसमें इस लेसन में आपको लोगों को बताऊंगा कि आपने लीड जनरेशन का जो टाइप है कितने टाइप की होती है। मेनली दो टाइप की लीड जनरेशन होती है। नंबर एक मैग्नेट टाइप लीड, को आप लीड मैग्नेट टाइप भी बोल सकते हो, मैग्नेट टाइप लीड भी बोल सकते हो। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है डायरेक्ट लीड। इन दोनों के बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगा। अभी हम डिस्कशन करेंगे टाइप कैसे होते हैं, और आप लोगों ने बड़े ध्यान से इनको देखना है। इनका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कि आप अपने फेसबुक एड्स अकाउंट्स के जरिए किस तरीके से लीड निकाल सकते हैं हम लोग अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। जो हमारी मैग्नेट लीड है, अगर उसकी मैं डेफिनेशन आपको दूं, तो उसमें हमने क्या देखना है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, आप जिस भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, उसने वे आप पर आपने कुछ सर्विस के ऊपर अपने फ्री अपने क्लाइंट को देना है। कुछ भी फ्री दे सकते हो आप, जिसके बदले आपका क्लाइंट आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी मेल आईडी और अपना एड्रेस, अपनी सर्विस के बारे में जो भी जिस टाइप का फॉर्म बनाना मैं आपको सिखाऊंगा आगे, वो आपको डाटा कलेक्ट हो जाएगा और ये आपकी एक लीड जनरेट हो जाएगी। उस लीड को अपने अपने पास संभाल के रखना। उस लीड जैसे आपके पास जनरेट हो जाती है तो उसके ऊपर हमने काम करना है, उसको मेल डालनी है, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल्स वगैरह करनी है। तो ये सारा हमारा इसमें प्रोसेस रहेगा। जो नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है डायरेक्ट लीड, ये हमने कुछ फ्री नहीं देना, उनको कुछ ऑफर दे देना है। इसके अंदर हमने किसी भी टाइप का ऑफर आप क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ इन दोनों को कि लीड मैग्नेट आपने कैसे यूज़ करना है और डायरेक्ट ऑफर को आपने कैसे यूज करना है। ओके, देखो जो लीड मैग्नेट है उसके लिए एक एग्जांपल ले रहे, तो मान लीजिए आपका जो भी आप लीड मैग्नेट के ऊपर काम कर रहे हो, कोई भी आपका जैसे बिजनेस है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना लीड मैग्नेट तैयार कर सकते हो। एग्जांपल के रूप में आप देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किसी का एजुकेशन सेंटर है, उसने कुछ आप एग्जांपल के रूप में कुछ वीडियो बनाइए, फ्री कोर्स सेल कर दीजिए, फ्री कोर्स सेल कर लिया उसने, या किसी का प्रोडक्ट है उसने कुछ उनको फ्री दे दिया, उसकी आप मिनिमम से मिनिमम 5 वीडियो क्रिएट कीजिए एग्जांपल के रूप में और अपने फेसबुक ऐड पे लीड जनरेशन में लगा दीजिए। जब भी कोई पर्सन उसको फ्री को देखेगा कोर्स को, तो जब भी वो रजिस्टर करना चाहेगा आपके फॉर्म पे उसका डाटा आएगा पहले। ओके, डाटा का आपको उसके जरिए से कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, उसकी मेल आईडी मिल जाएगी। तो उसके बाद हमारी जो सेल्स टीम है उसके ऊपर काम करेगी, उसे बात करेगी, तो हमारे पास एक डाटा आ जाएगा। डाटा बेस जैसे कलेक्ट करोगे, इसका अगर एग्जाम्पल आप देखोगे, अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी काम करा। अपने मैग्नेट लीड मेरी अलग अलग टाइप की हैं, यूट्यूब पे मैग्नेट अलग चलती है, फेसबुक के ऐड पे अलग चलती है, इंस्टा पे अलग अलग मैग्नेट लीड बनती है। आपको हर टाइप की मैग्नेट लीड बनानी आनी चाहिए, फ्री ऑप्शन आप दीजिए। डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपके पास दोनों आपको ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेंगी, कि आपके पास डायरेक्ट लीड के जरिए ज़्यादा ऑप्शन आ रही है या फिर मैग्नेट लीड के जरिए ज़्यादा क्लाइंट आ रहा है।
अपने एग्जांपल की बात करूँगा, मैं मैग्नल लीड के जरिए हजारों कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी ले चुका हूँ। उसके ऊपर हमारी सेल्स टीम कॉल्स करती है, डाटा लेती है उनसे, उनको लगातार ऑफर फिर बाय मेल ऑटोमेटिकली मेल के जरिए। ईमेल मार्केटिंग आप करोगे, जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा मेल मार्केटिंग का कोर्स आप हमारा ज्वाइन करना, तो उसमें क्या चीज़ है कि ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे उनके पास, आपने ऑफर किया आपको उनका एक डाटा बेस बनता चला जाएगा धीरे धीरे। बट ये चीज़ डिपेंड करती है आप लोगों के ऊपर। या फिर एक काम कर सकते हैं दूसरा, आप अपने कोर्स के रिगार्डिंग आप लोग अपना ई बुक जनरेट कर लीजिए। ई बुक क्या होता है, डिटेल्स अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की, उनको ऑप्शन दे दीजिए कि अगर आपने ई बुक हमारी डाउनलोड करनी है तो आपको हमें उसके बदले में ये फॉर्म फिलअप करना है जिसमें वो सारी डिटेल आपको देगा। इससे हमारी लीड क्रिएट होती चली जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, लीड मैग्नेट। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, ऑप्शनें आपने दोनों यूज करनी है। देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से लीड ज़्यादा आती है। कुछ दिन के लिए आपने लीड मैग्नेट लगाना है, कुछ दिन के लिए आप डायरेक्ट लीड लगा सकते हो। अभी दूसरी बात करते हैं हम आगे, जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी, डायरेक्ट लीड क्या होती है। देखो इसमें देना हमें किसी को कुछ फ्री नहीं है, इसके बदले हमें कुछ मिलेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप कोई ऑफर क्रिएट करो, किसी भी टाइप का ऑफर दो, उसकी कुछ एग्जाम्पल वीडियो बना लो कि अगर आप हमारा ये चीज़ को क्लियर करते हो तो आपको हम अपना कोर्स बिल्कुल फ्री दे देंगे। तो जब भी कोई क्लाइंट, कोई स्टूडेंट जिसको आपके सर्विस की नीड होगी, वो उस वीडियो को देखेगा, वीडियो देखने से पहले उसको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा डायरेक्ट। उसको ऑफर दे दिया आपने कि अगर आप ये करते हो तो मैं आपको ये चीज़ फ्री में दे देता हूँ, ऑफर दे दो उनको डायरेक्ट लीड के लिए। डिपेंड आप लोगों पे करेगा कि इसको हमने किस तरीके से यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप हजारों लाखों टाइप की लीड जनरेट कर सकते हो, बट उसके बाद उसको यूज़ करना सीखना, सेल्स टीम अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग करने के लिए आपके पास टीम होनी चाहिए। तो ये दो टाइप थे हमारे आज के चैप्टर में जो मैंने आपको बताए हैं। कल के चैप्टर में हम नए बात करेंगे कि हमने कैसे इनको यूज़ करना है, उसके बारे में बड़ा डीप लिखना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपका।